नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स हैं, मेडिकल से जुड़े और लायर से जुड़ी कई बातें होती हैं जिसकी के बारे में कॉमन मैन को नहीं पता होता। तो अगर आप गलत केस करते हो, गलत चीज़ प्रोजेक्ट करते हो, तो आपको पटिशनर को भी जुर्माना हो सकता है माननीय कोर्ट का, अगर आप टाइम वेस्ट करते हो। तो ऐसे ही किसी का नाम लेते बगैर उन्होंने कहा कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, और उन्होंने YouTube की एड और गूगल पे केस किया कि 75 लाख रुपया मेरे को दो, मेरी डिस्ट्रैक्शन हो गई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 25,000 का जुर्माना किया, जिसने 75 लाख गूगल पे किया था। तो उसने ये प्ली ली कि वो एडवर्टाइजमेंट YouTube पे उसके सामने आ गई जिसमें एक्सप्लिसिट कंटेंट था, और उसका ध्यान चला गया, तो ये प्ली डिसमिस हो गई। इसको एट्रोशियस टर्म किया गया, पिटीशन फाइल बाय एक रेजिडेंट ने क्लेम किया था कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से उसकी टेंशन डाइवर्ट हुई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो फेल हो गया, क्योंकि गूगल यूट्यूब को ऑन करता है। तो उन पे केस किया गया, तो आप नेट पे डाल सकते हो, जिसमें यूट्यूब एड एंड वांटेड 75 लाख, तो सामने आ जाएगा। तो आगे जो चीज़ बताएगी, यू वांट डैमेजेस बिकॉज यू सॉ एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट एंड यू से बिकॉज ऑफ दैट यू टेंशन वाज डाइवर्टेड एंड यू कुड नॉट क्लियर एग्जाम, who was appearing in the person, it is one of the most atrocious petition filed under article 32. The kind of petition are utter wastage of judicial time ko waste kiya gaya. Petitioner had also sought a ban on nudity on social media platforms. Usne kaha ki nangage ban hona chahiye. To bench ne ye observe kiya, maniye bench ne, the petitioner claimed that he was preparing for examination and subscribes to YouTube where he saw advertisement containing alleged sexual content. If you do not like advertisement, do not watch it. Agar aapko achhi nahi lagti, na dekho, bench said, mani bench ne kaha, why he choose to watch the advertisement is his prerogative. Initially bench ne usko, mani bench ne 1 lakh petitioner ko jurmana kiya, dismissing the plea. Later the petition who argued in Hindi, आज टॉप कोर्ट फॉर गेम कि मैं अनप्लाइड हूँ, कृपया मेरे को 1 लाख जुर्माना न लगाओ। तो बेंच सेड ही कैन नॉट कम जस्ट टू कोर्ट एंड फाइल सच पिटीशन ओनली फॉर पब्लिसिटी, मेक इट 25,000 बेंच सेड बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट फ्रॉम 1 लाख। तो दोस्तों, अगर आप भी सस्ती पब्लिसिटी चाहते हो, तो याद रखना, पासा पुट्ठा पड़ सकता है, पंजाबी च कहते हैं कि पासे पुट्ठे पै गए। तो पटिशनर बनने में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए लॉ के मुताबिक, अगर सिर्फ आपने वेस्ट करना है टाइम इधर उधर, क्योंकि जुडिशरी का टाइम वेस्ट होगा, तो नेचुरली कई लोगों को जस्टिस नहीं मिल सकेगा। क्योंकि मैं आपको वो भी बताऊंगा, कुछ कोर्सेज हैं हमारे, उनके साथ हमने कुछ चीज़ फ्री शुरू करने का इरादा किया है कि मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स इन हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस, इससे जुड़ा कोई कोर्स है गवर्नमेंट का। हमारा विचार है कि जो लोग 2 दिन ऑनलाइन क्लास लगा सकते हैं उस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, उसकी फीस हमारा मन था कि हम भरें। और पैकेज जैसे मान लीजिए कोई कोर्स है हमारा 20,000 का या 30 का या 10 का, तो हम उसमें से वो उसकी ऑनलाइन फीस भरने को भी तैयार है। मगर अभी विचार विमर्श चल रहा है हमारा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो ऐसा कोर्स सिर्फ छपा छपाया चाहते हैं, मगर क्लास नहीं लगाना चाहते। ऑनलाइन क्लास भी तो लगती है ना 2 दिन। तो दोस्तों, ऐसा भी हमारा विचार है, कुछ बहुत अच्छे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि इस मेडिको लीगल पे विचार करना चाहते हैं। तो ये अंडर प्रोसेस है हमारे दिमाग में कि अगर हम टोटली फ्री कर देंगे तो घोड़ा गाज से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा फ्री करते हैं तो मज़ा नहीं आता, इसको किसी कोर्स के साथ जोड़ेंगे जरूर, वो जो मेडिकल लीगल
कोर्स है ऑनलाइन, और साल में 2-3 बार उसकी ऐड आती है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे भी कहते कि कोई आई स्पेशलिस्ट था, तो उसमें कुछ गलती की। पेशेंट की कंसेंट लेना क्या जरूरी है वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि उसको लेने के देने पड़ गए प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पर्ची में। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।